Hi guys, welcome to Education Wave Success Made Easy Biological Classification Part 11. So, जिसने भी अभी तक जो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, हमने डिस्क्रिप्शन में इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट दे रखी है, आप वहां पे विजिट करके हमारी पार्ट 1 से सारी वीडियोस देख सकते हैं. Now, what is sexual reproduction in fungi? जो हमारे fungi होते हैं उनके अंदर sexual reproduction कैसे होती है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो प्लीज ध्यान दीजिएगा इस पे. सो फर्स्ट इज जो वेज हैं कि जो गैमेट्स होते हैं वो एक्चुअली कैसे एक साथ फ्यूज करते हैं, उसके तीन तरीके होते हैं. ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट फिर भी मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि जो हमारे गैमेट्स हैं वो आपस में कैसे फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, ऑब्वियसली वी ऑल नो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं कि मेल जो गैमेट होगा और कोई फीमेल गैमेट होगा वो आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, बट एक्चुअल में ये जो मेल और फीमेल की जो गैमेट्स है ना, ये तीन तरीके से फ्यूज करते हैं. तो वो जो तीन तरीके हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट इज आइसोगैमी, कि इसका मतलब ये होता है कि फ्यूजन ऑफ जो गैमेट्स, मतलब जो गैमेट फॉर्म हुए हैं, मान लीजिए जिसको वैसे फंजाई में हम प्लस या माइनस से भी शो करते हैं मेल या फीमेल को, बिकॉज एक्चुअल में वो जो मेल फीमेल ऐसा कुछ होता नहीं है, बट स्टिल हम प्लस माइनस से भी शो करते हैं, बट पीपल से कि वो मेल है फीमेल है. ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक प्रेफर कर रहे हो. सो हम बोलेंगे कि जो गैमेट्स है हम पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं. ठीक है, सो दो डिफरेंट टाइप के जो हमारे फ्यूजन होने वाला है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो गैमेट्स हैं वो एक्चुअली में ना एक साथ एग्जैक्टली एक जैसे दिखेंगे, अलाइक इन अपीयरेंस एंड फंक्शन. तो आइसोगैमी में ये होगा कि वो जो फंजाय होगा, ठीक है, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होगी, उसके अंदर जो पॉजिटिव वाला जो हमारा गैमेट होगा और जो नेगेटिव वाला जो हमारा गैमेट होगा, वो दोनों दिखने में एक जैसे होंगे. मतलब कि मैं बना के दिखा सकती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक है गैमेट, ठीक है, ये मान लिया जिसके पास फ्लैजिलाज हैं, और यहाँ पे भी सेम दिखने वाला ही कोई गैमेट होगा. मान लो हमने नेगेटिव प्लस माइनस बोल दिया, लेकिन दिखने में ये दोनों एक जैसे हैं. तो दिस इज कॉल्ड आइसोगैमी, व्हेन द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर एग्जैक्टली अलाइक, जो कि एक जैसे दिखते हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आइसोगैमी. नाउ व्हाट इज एनाइसोगैमी, ऑब्वियसली सिंपल सा है कि आइसो में सेम है तो एनाइसो में डिफरेंट होगा. सो फ्यूजन ऑफ dissimilar gametes is called anisogamy. अब dissimilar कैसे होंगे? So they in isogamy forms both जो fusing male होता है और जो female होता है usually motile. वो दोनों के दोनों ही, मतलब दोनों ही motile होते हैं, लेकिन वो different होंगे. For example, ये जो बड़ा होगा size में एक मान लीजिए, ठीक है, ये दोनों different दिखेंगे. ठीक है, so This is called anisogametes, कि ये dissimilar gametes होंगे, एक जैसे नहीं दिखेंगे. लेकिन अब है oogamy. अब oogamy में क्या होता है कि जो male होगा ना, जिसे हम microgamete भी बोलते हैं, मतलब micro, आप कह सकते हो कि micro के नाम से भी हम बोलते हैं, वो small होता है, small होगा, लेकिन flagellated होगा, मतलब उसके पास flagellas होंगे और वो active होगा. लेकिन जो female होगी जिसे हम mega बोलते हैं, वो gamete क्या होगी, larger होगी, लेकिन नॉन मोटाइल होगी. इट मींस मतलब उसके हम फ्लैजिला शो नहीं कर सकते. ठीक है, यहाँ पे हमने फ्लैजिला शो किया, यहाँ पे भी हमने फ्लैजिला किया, लेकिन ये दोनों एक जैसे थे. यहाँ पे हमने साइज में डिफरेंट दिखा दिया क्योंकि उनको डिसिमिलर दिखाना था, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं दिखाने फ्लैजिला क्योंकि ये नॉन मोटाइल है और ये लार्ज होगा. ठीक है, तो यहाँ पे ओगैमी में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल विद मोटाइल गैमेट, विद फ्यूजन ऑफ मेल जो कि मोटाइल होगा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट हैविंग फ्लैजिलास विद नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, ठीक है, जो कि लार्ज होगी, ऑल्सो एट लार्ज वन. सो दिस इज कॉल्ड ओगैमी. तो फ्यूजन तीन तरीके की हुई, आइसो में दोनों सेम दिखेंगे, एन आइसो में दोनों डिससिमिलर गैमेट्स होंगे, चाहे आप कैसे भी दिखाइए कि उनको आप अलग कैसे दिखा सकते हैं, लेकिन मोटाइल दिखाने तो आपको फ्लैजिला बनाने पड़ेंगे. सो ऑब्वियसली हम साइज में ही छोटा बड़ा कर सकते हैं. और ओगैमी में आपको मेल को मोटाइल दिखाना होगा और फीमेल को नॉन मोटाइल और बड़ा दिखाना होगा. तो ऑब्वियसली फीमेल को आप बिना फ्लैजिलास के दिखाएंगे लेकिन बड़ा, और मेल को आप फ्लैजिलेटेड बट स्मॉल साइज का. ठीक है, तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई. नाउ ये जो सेक्सुअल
साइकिल होती है, इसमें तीन बेसिकली स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में दिया, मैंने बिल्कुल सेम वही लिखा. सो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन दो मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल हम कह नहीं सकते, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप की हमने अभी पीछे देखी, तो उनमें से कुछ भी हो सकता है. तो हमने कह दिया कि वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, कुछ भी होते हैं. लेकिन उनके बीच में होगा क्या, सबसे पहले कि उनके जो प्रोटोप्लाज्म है, सबसे पहले क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये जो है हमारे पास, इसका ये न्यूक्लियस है, लेकिन है तो इसके अंदर सारा प्रोटोप्लाज्म, और ये वाला जो है उसके अंदर भी सारा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, चाहे फ्लाजिला हो चाहे ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, वो हमें पता लग जाएगा कि वो आइसोगैमीट्स हैं या फिर एनाइसो हैं या फिर ओगैमीट्स हैं, ठीक है. तो वो गैमीट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन होगा उनमें सबसे पहले क्या, प्लाज्मोगैमी, मतलब जब वो पास आएंगे तो उनके बीच के अंदर जब सबसे पहले क्या होगी, न्यूक्लियस नहीं रहेंगे, सबसे पहले फ्यूजन होगी उनके प्रोटोप्लास्ट की, मतलब कि ये जो है ये यहाँ पे नहीं होगा और इनके बीच के अंदर फ्यूजन होगी इनके प्रोटोप्लाज्म में, मतलब इनका प्रोटोप्लाज्म एक साथ मिक्स हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा. सबसे पहला स्टेप हमने पढ़ लिया. नाउ फ्यूजन ऑफ टू, जो टू न्यूक्लियाई है उनको हम बोलते हैं कैरियोगैमी. अब ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये बहुत पास आ चुके हैं, इनके जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो चुके हैं, अब है इनके न्यूक्लियस की बारी, अब वो फ्यूज होंगे एक साथ, तो इसे हम बोलेंगे कैरियोगैमी. पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, प्लाज्मोगैमी हुई, फिर कैरियोगैमी हुई, ठीक है. नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप क्या है, रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स. तो जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, मतलब ये फ्यूज हो गया, अब हमारे पास एक जाइगोट बन गया है, अब ये जाइगोट मियोसिस करेगा, ठीक है, मियोसिस करेगा, ब्रेक डाउन इंटू, मान लीजिए कि यहाँ पे मियोसिस की इसने, तो ये जो हमारे पास हैप्लॉइड स्पोर्स आएंगे, क्योंकि मियोसिस में हमारे क्या होते हैं, जो हमारा फॉर एग्जाम्पल ये 2n होता है, तो n नंबर्स हमारा हाफ होता है, ठीक है. सो मियोसिस करके यहाँ पे इन्होंने हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने स्टार्ट किए. तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप, कि आपने यहाँ पे कैसे किया, ठीक है. नाउ व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस, जब भी कोई फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ना, तो ये जो हैप्लॉइड हाइफी होते हैं ये कंपैटिबल होते हैं, मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज. तो जो दो हैप्लॉइड होंगे, जो भी हाइफीज होंगे उनके पास, फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाला है, तो उनके पास जो हाइफी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये भी उसका हाइफी है, ये भी उसका हाइफी है, जो कि कंपैटिबल होंगे मेटिंग के लिए, ठीक है. कंपैटिबल मतलब कि वो एक साथ फ्यूज कर सकते हैं, तो जो कंपैटिबल होंगे वो एक साथ आएंगे और फ्यूज करने की कोशिश करेंगे. इन सम फंजाय क्या होता है, दो हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये दो मेरे पास हैप्लॉइड सेल्स थे, ठीक है, वो दोनों तुरंत क्या उन्होंने, मतलब जैसे ही इमीडिएटली फ्यूज किया और यहाँ पे उन्होंने 2n जो भी है डिप्लॉइड सेल बना लिया, क्योंकि इसका n था न्यूक्लियस का, इसका n था, और दोनों ने डिप्लॉइड सेल तुरंत बना लिया इमीडिएटली. कभी कभी क्या होता है कि ऐसी स्टेज आएगी कि मतलब सबसे पहले उसके वही प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे, लेकिन उनके जो न्यूक्लियस होंगे वो ऐसे होंगे, दूर दूर ही होंगे, अभी फ्यूज होने में उनको टाइम लगेगा. तो एक ही सेल पे जब दो न्यूक्लियस हैं, मतलब n प्लस n, ये वाली जो स्टेज होती है ना, इसका नाम दिया है उन्होंने, इस कंडीशन को उन्होंने बोला डाइकैरियन. अभी हमने पढ़ा कैरियोगैमी को, कैरियो मीन्स हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस के लिए बोला गया है. तो सिमिलरली जब दो ये वाली कंडीशन हो तो हम बोलेंगे डाई, डाई मतलब टू न्यूक्लियसेस हो हमारे, इस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियो फेज इन फंगस, ठीक है. तो ये जो भी देखने को मिलता है वो हमारा एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एक इंटरविनिंग फेज है, मतलब कि बीच की स्टेज मानी जाती है. पहली स्टेज होगी भाई प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, बीच में क्या हो जाता है कि ये जो न्यूक्लियस होते हैं ना, ये दोनों आ गए और बीच में, लेकिन लास्ट में, तो एक तरीके की बीच की स्टेज है, जहां पे ये दोनों एक तरीके से एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियसेस पड़े होते हैं एक साथ, ठीक है. सो नोट कीजिएगा कि मतलब ये जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होते हैं ना, जब भी आपस में फ्यूज करेंगे तो सेल क्या बन जाता है, डिप्लॉइड. ऑब्वियसली सेल क्या बना, डिप्लॉइड, यहाँ पे क्योंकि n प्लस n दो आ गए. नाउ वो जो फ्रूटिंग बॉडी जब भी उस जाइगोट से या फिर उस डिप्लॉइड सेल से जो भी रिडक्शन होके हमारे पास जो फ्रूटिंग बॉडीज आएंगी, वो हमेशा हैप्लॉइड स्पोर्स ही बनाती हैं, ये याद रखना. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जाइगोट फॉर्मेशन हुई, वही एक तरीके से फ्रूटिंग बॉडी आप उसको कह सकते हो. तो उससे मियोसिस होगा, मतलब कि रिडक्शन होगी, रिडक्शन होगी तो ऑब्वियसली डिप्लॉइड का अगर हाफ करेंगे तो आप हैप्लॉइड ही मिलेगा हमें, तो 2n का जब हाफ करेंगे तो n ही मिलेगा. तो हमेशा जब भी यहाँ पे डिप्लॉइड स्टेज हमारी यहाँ पे फॉर्म हुई है, तो उनका जब आप हाफ करेंगे, रिडक्शन करेंगे,
तो हमें क्या मिलेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स मिलेंगे। ठीक है, सो इस पूरे चैप्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे आपसे पूछनी है कि ये जो एक्यूमुलेटेड फूड रिजर्व होता है फंजाइस के अंदर वो क्या होता है, मतलब किस फॉर्म में उनके अंदर फूड रिजर्व होता है। हमने प्लांट्स में पढ़ा है कि वो स्टार्च के फॉर्म में अपना फूड जो है वो स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, हमने एक और पढ़ा था कि प्रोटिस्टास जो होते हैं शायद वो प्रोटीन की फॉर्म में अपना स्टोर करके रखते हैं। सो जो ये जो फंजाई हैं ये किस फॉर्म में अपना फूड को रिजर्व करके रखते हैं, प्रोटीन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में या स्टार्च के फॉर्म में। सो आंसर कमेंट में आप जरूर लिखिएगा अगर आपको आता हो तो। एंड थैंक यू सो मच, जिसको भी इसकी इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहां से इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी फ्रॉम पार्ट 1 to जितना भी एंड चैप्टर तक हमने इसे बनाया है। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जो भी डाउट है आप मुझसे वहां पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस एंड लाइक एंड कमेंट ऑल्सो, क्योंकि हमें आपसे लाइक एंड कमेंट से बहुत हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच।